नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप और आपके परिवार बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा जो सुंदर भारत बनाने का जो मिशन है कि हम हमारे आसपास से आज देखेंगे कि जो BDO ऑफिस है उगलाना का, वहाँ हमारे साथी शनिवार का दिन है दोस्तों। हमारे साथी मुकेश कुमार, देखो आज हम हमारे जो आरोही मॉडल स्कूल है वहाँ से पौधे ले आए हैं, लगभग 40-50 पौधे ले आए हैं। और अब उनको दोस्तों इन जो यहाँ का प्रांगण है उसे सुंदर बनाने में देखो लगे हुए। हमारा साथी जो मुकेश कुमार है, जो मेरा क्लासमेट भी है, वो भाई आज एक ही बॉल के साथ मेरे पास आया और वहाँ से पौधे लाए। मुकेश भाई से बात भी करेंगे, देखा पौधा है मैं पानी डाल रहा है। मुकेश से भाई एक बार आप आओ, क्या हाल है मुकेश, ठीक है? बढ़िया वैसा बढ़िया। आप भी जो आप इतनी अच्छी सोच के साथ भाई लगे हुए हैं हमारे साथ है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश यू हरा भरा रहना चाहिए। जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे प्रकृति हमें उतना ही अच्छा योगदान देगी। आज ये जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये सब हमारी छेड़खानी की कारण बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति हमें जीवन दान देगी। धन्यवाद भाई। देखो भाई ने दोस्तों बहुत अच्छी बात बताई कि प्रकृति के साथ जितना हम खिलवाड़ करेंगे उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति हमारे साथ भी खिलवाड़ करेगी। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को, देखने वाले साथियों को सभी से कहता हूँ कि आप अपने जहाँ पे आपकी रोजी रोटी है वहाँ पर पेड़ पौधों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति दोस्तों आगे बढ़िए और अपनाएं और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाइए। देखो यहाँ भी आप देखोगे कि हमारे साथी मुकेश कुमार और दो तीन साथी, मैं पिछले 2-3 दिन पहले आया था कि पक्षियों के लिए जो स्कोरे रखे हुए थे यहाँ, ये देखो और भी स्कोरे। हमारा मिशन है कि हम जहाँ भी जाएँ और एक एक सकोरा और जो पौधारोपण है, फूल पत्ती पौधा है या फिर बड़े पौधे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं हमें, क्योंकि दोस्तों हम जितना भी प्रकृति को देंगे प्रकृति उतना ही हमें कंपाउंड करके दोस्तों देगी। इब मैं दोस्तों को और ज़्यादा समय न लेते हुए यही कहूँगा कि आप भी अपने आसपास के जो मॉल है, सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थानों को दोस्तों आपका अपना ही सोचे, उन्हें सरकारी नहीं हमारी सोचे, क्योंकि सरकारी संस्थान हमारे ही अपने होते हैं। इसलिए दोस्तों आप उनका ख्याल रखिए और आपका और अपने बच्चों का, देश का भविष्य अच्छा बनाइए। दोस्तों यहाँ से भी हमें जो यहाँ जो फालतू पौधे हैं सुदर्शन के, भाई मुकेश पिछले साल ले आया था और ये देखोगे आज काफ़ी मात्रा में दोस्तों तैयार हुए हो रहे हैं, लेकिन आज इनको स्कूल में लेके जाऊंगा। देखो बहुत ही तादाद में, देखो ये भाई ने दे है। मुकेश भाई ये आप कहाँ से लाए थे हमारे दर्शकों को बताए? ये भाई साहब मैं बरवाड़ा BDP ऑफिस से लेके आया था। हाँ जी 50 पौधे और ये आज हजारों की संख्या में होते हैं। देखो दोस्तों क्यों एक पौधा के साथ सैकड़ों पौधे बन जाते हैं, क्योंकि कुदरत का सिद्धांत है कि कुदरत लीवरेज करके देती है। आज दोस्तों हमारे स्कूल में ले जा रहा हूँ, वहाँ इनको लगाऊंगा और इनसे फिर आगे और भी साथियों को और भी सामाजिक संस्थानों में इसके इनको डोनेट करेंगे। काम ऐसा कीजिए कि देश में आपका ही नहीं दुनिया में देश का नाम हो। जय हिंद, धन्यवाद।